नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं चपाती का साइड डिश। बीन्स, स्प्रिंग बीन्स आता है ना, वो बीन्स और आलू का सब्जी। ये बहुत टेस्टी कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 2 kg बीन्स को ऐसे छोटा छोटा पीस कर लिया है। एक बड़ा सा आलू पोटैटो को ऐसे छोटा छोटा पीस कर लिया है। एक टमाटो और एक ऑनियन को कट कर लिया है। इधर ग्राइंड करने के लिए एक इतना सा पीस कोकोनट और थोड़ा हरी धनिया, एक 4-5 लहसुन के कलियां, अदरक 1/4 इंच का, धनिया 1 स्पून, लाल मिर्च 1 स्पून, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये सब ग्राइंड कर आती हूँ। इधर देखिए मैंने ग्राइंड कर अच्छे से पीस बना लिया है। इधर एक छोटा सा कुकर रखी हूँ, इसमें 2 स्पून ऑयल डाली हूँ, थोड़ा राई डालिए, चना दाल 1 स्पून जितना डालिए, इसे थोड़ा फ्राई कीजिए। अभी ये चना दाल लाल हो गया, इस टाइम में ये वेजिटेबल्स का कटकर करके ना ये सब डाल लेते हैं, प्याज बीन्स आलू सब कुछ डाल लेते हैं। ये भी डाल लेते हैं। अब ये मिक्सी दो कर थोड़ा पानी भी डाल लेते हैं, जितना पानी डाल लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये लेट क्लोज करके ये एक विजिल छोड़िए, बस ये एक विजिल हो गया था, सब्जी रेडी। अभी देखिए मैंने कुकर ओपन कर लिया है, कितना अच्छा दिख रहा है सब्जी ग्रेवी। ये रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी रहता है और झटपट बन जाता है 2 मिनट में। मैं ये चपाती के साथ सर्व कर रही हूँ।